Now we come to the fourth part of our video of Marie Curie. So we had seen about the scientist Albert Einstein, APJ Abdul Kalam, Meghnad Saha, Srinivas Iyengar Ramanujan, and of course about Marie Curie. We had seen how the Slodowska family in the evenings would sit, the parents, दोनों माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ कर के, दोनों स्कूल के टीचर थे, बैठ कर बच्चों को पढ़ाते थे शाम के वक्त. और उसी समय मारी जो थी, जब छोटी थी तो उसने अपनी माँ को देखा था किस तरह से वो बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि वो प्रिंसिपल थी वॉर्सो गर्ल्स स्कूल की, तो वो प्रिंसिपलशिप का काम भी करती थी और बड़े से घर की देखरेख भी करती थी. इसके वजह से उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती. इसके अलावा उस समय उनके घर में बहुत मेहमान आते थे. एक मेहमान उन सब में थे वाल्डिशॉ के भाई, यानी मारी के पिता के भाई. वो उस समय आए थे जब उन्हें ट्यूबोकुलोसिस हुआ था. उस समय ट्यूबोकुलोसिस का कोई इलाज नहीं था, तो उनकी देख रेख करने की वजह से माँ मैरी की माँ को भी ये डिजीज़ ट्यूबोकुलोसिस हो गया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार सेनेटोरियम जाना पड़ता था इलाज के लिए. और ऐसे समय में जोसिया मारी की बड़ी बहन उनके साथ जाती थी. जोसिया की मृत्यु 7 साल की उम्र में हो गई और उसे टाइफस की वजह से हुआ था. उसके बाद माँ की भी मृत्यु हो गई जब मारी 11 साल की होने वाली थी, उसके 11वें बर्थडे के कुछ महीने पहले. तो ये दोनों उसके जीवन में बहुत ही गहरा धक्का पहुँचाया. मारी का स्वप्न था कि वो विज्ञान और मेडिसिन को लेकर के मनुष्यता के सहयोग करे, लेकिन इसकी ये जो प्रयास था वो बचपन में ही ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि दो त्रासदियों की वजह से. हम देखते हैं कि मारी की जो फाउंडेशन थी पढ़ाई की, उसके पिता ने उनकी नींव डाली थी. वो किस तरह से कि बचपन में बच्चों के सामने वो ग्रीक, लैटिन, रशियन, पोलिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, ये सारे बच्चों के सामने पढ़ते थे. इसके अलावा फिज़िक्स और केमिस्ट्री की किताबें भी पढ़ते थे, जिससे बच्चों में ज्ञान के प्रति काफ़ी लगाव हो गया. और मैरी जो थी, अपने उम्र से पहले ही काफ़ी कुछ वो सीखने लगी थी. और इसकी प्रीमेच्योर डेवलपमेंट को रोकने के लिए माता पिता ने उसे बाहर भेज खेलना और इस तरह के खेलों में उसे भागीदार बनाया, जिस तरह से उसका ये समय से पूर्व का विकास रोका जा सके. उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी जो थी बचपन में इतनी होशियार थी, कोई भी भाषा वो उसकी पकड़ एक बार में बहुत अच्छा था. वो बहुत जल्दी किसी भाषा को सीख लेती थी. तो बचपन में वो पोलैंड में हुई थी और उस समय पोलैंड रशियन फोर्सेस ने उस पर कब्जा किया हुआ था. तो वो बचपन में सिरोस्का, मिसेस सिरोस्का के स्कूल में पढ़ती थी. तो उस समय रशियन इंस्पेक्टर्स आते थे और स्कूल में निरीक्षण करते थे कि स्कूल में रशियन में पढ़ाई हो रही कि नहीं. तो ऐसे समय में मारी को ही आगे कर दिया जाता, क्योंकि उसकी टीचर एंटोनी टुप्लास्का ने देखा था कि मारी की पकड़ किसी भी भाषा के प्रति बहुत ही सटीक बढ़ता है. तो ऐसे में मारी पूरे स्कूल की तरफ से वही एक ऐसी छात्रा थी जो कि उन इंस्पेक्टर्स के सारे सवालों का उत्तर वो देती. तो ऐसे करने में उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता और इस वजह से उसे उसके लिए बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहा. और ऐसे में वो
मेरी मिस टुप्लास्का के बाहों में उनके जाने के बाद बहुत रोती थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता था। ओके, पूरे स्कूल के हर नर्व्स एग्जॉस्टेड बाय द एफर्ट ऑफ कवरिंग अप फॉर द स्कूल, उसकी नसें जो थी बिल्कुल थक जाती थी, क्योंकि वो पूरे प्रयास करती थी कि पूरे स्कूल के लिए वो रिप्रेजेंट करे। ओके, आफ्टर दैट वी सी After her mother and elder sister's death, it had been Mary's sister Briona who had taken over the responsibility of looking after the family. And yet, Briona managed to complete her schooling by being the topmost student of the school. तो अब देखते हैं कि माँ और बड़ी बहन जोसिया की मृत्यु के बाद मारी की बहन ब्रायोना जो थी उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये जिम्मेवारी उठा ली कि पूरे घर की देखरेख का करने का। शी टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली एंड येट ब्रायना मैनेज टू कंप्लीट हर स्कूलिंग बाय बीइंग द टॉप मोस्ट स्टूडेंट। और ब्रायना ने अपनी ये जिम्मेवारी को बखूबी निभाया, क्योंकि वो टॉप मोस्ट यानी कि सबसे उत्तीर्ण छात्र रही थी ऐसे समय में। हर सिस्टर मारी फेल्ट एन इंटेंस प्रेशर टू डू सिमिलरली, तो अपनी बहन मारी को इस तरह से करते हुए देखकर उसके भी मन में हुआ कि वो भी उन्हीं की तरह बहुत ही अच्छा पढ़ाई में परफॉर्म करे। As her sister, Mary felt an intense pressure to do similarly well and applied herself in the last 5 years of her school to her studies. तो अपनी शिक्षा के आखिरी 5 सालों को उसने पढ़ाई को पे बिल्कुल दे दिया और खूब प्रयास किया। When she graduated from school at the age of 15, she earned herself a gold medal as the best student. तो हम देखते हैं 15 साल की उम्र में ही ये स्कूल स्नातक की उपाधि पा ली और इन्हें स्वर्ण मेडल मिला था, क्योंकि वो सबसे अच्छी बेस्ट स्टूडेंट थी। सो ये हो गया हमारी लेसन चिल्ड्रन। सो वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।